खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात सबसे पहले रूस के मॉस्को में हुए आतंकी हमले की, जहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। 100 से भी ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। एक दिन पहले मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में कुछ हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। वहां रूस के एक मशहूर म्यूजिक बैंड का कार्यक्रम होना था और शो हाउसफुल भी था। बताया गया कि 6000 से ज्यादा लोग कॉन्सर्ट देखने के लिए पहुंचे थे और शो शुरू होने से पहले ही आतंकियों ने वहां पर धावा बोल दिया। आतंकी संगठन ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये बहुत बड़ी खबर। और आप देखिए कि अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए रूस में, और यहां पर व्लादिमीर पुतिन जो है एक बार फिर से प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए हैं, और उसके बाद इस तरह की तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है। पीएम मोदी ने आतंकी हमले पर दुख भी जताया है और साथ ही आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये चार लोग, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये चार लोग जो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। इस कॉन्सर्ट में मौजूद लोगों को ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ यहां पर होने भी वाला है, और ऐसे में कई लोगों ने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। तो बीती रात रूस एक बहुत बड़े आतंकी हमले से दहल उठा। आतंकी संगठन ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकियों की गोली से बचने के लिए वो टॉयलेट और दूसरी जगहों पर छिप गए। बंदूक की गोली तो उन्हें नहीं छू पाई, लेकिन आग के धुएं ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। बीते कई साल में ये रूस में हुआ अब तक का सबसे भयानक हमला है, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली है। तो ये अब तक का सबसे भयानक हमला रूस में। अब आपको दिखाएंगे तीन तस्वीर। इन तीन तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि आखिर हालात कैसे थे। पहली तस्वीर में हथियारबंद हमलावर मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में लोगों को गोलियों से भूनते हुए नजर आ रहे हैं। बताया गया कि फायरिंग करने के बाद आतंकियों ने हॉल में विस्फोटकों से हमला भी किया। जोरदार ब्लास्ट की वजह से इमारत में भयानक आग लग गई और उस आग में इमारत की पूरी छत गिर गई। खबर ये भी है कि लोग हमलावरों से अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के टॉयलेट और दूसरी जगहों पर छिपने लगे, मगर आग के धुएं से दम घुट गया और वो मारे गए। ये तीन तस्वीर, वो काली रात, अंधाधुंध फायरिंग, फायरिंग के बाद ब्लास्ट और आग में सब कुछ जलकर राख हो गया और कई लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया। तो मॉस्को में आतंकी हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। तो वैसे तो इस पूरे घटना के बाद दहशत का माहौल है रूस में, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दुख जाहिर किया गया। नीरज संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नीरज, 70 से 80 हो चुका है मौत का आंकड़ा, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, इस वक्त हालात कैसे? देखिए, अभी 5 लोगों की तलाश लगातार मॉस्को में जारी है। पूरी रूस की जो एजेंसियां वो लगी हुई है कि 5 लोग आखिर कौन थे। आईसिस ने पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है। 70 से 80 लोगों की हत्या की है आतंकियों ने और 100 से ज्यादा गंभीर तौर पे घायल हैं इस पूरे मामले में। 100 में से 60 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ही गंभीर है, उनमें 5 लोग बच्चे भी हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो है दुनिया भर के नेताओं ने इस हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया, दुनिया के तमाम देशों ने इस आतंकी घटना की जिक्र किया, लेकिन आईसिस खेरसोन प्रोविंस जो कि अफगानिस्तान में अब तक अपने आप को फोकस रखता था जब तक अमेरिका वहां था, लेकिन उसके बाद यहां रूस पर अपना फोकस किया। 2017 के हमले में भी उसका हाथ था। सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हमला किया गया था, उसमें
10 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी। इसके अलावा इसी साल ईरान में एक हमला हुआ था, उसमें उसका हाथ था। तो देखना होगा रूस की एजेंसी। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पांचों लोग जो कि ऐसी वेशभूषा में आए थे कि लगे कि सेना की। फिर आपसे जानकारी लूंगी। एक बार तस्वीर जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये मैं बता देती हूँ, ये चार लोग जो इस वक्त इस हॉल में मौजूद हैं, जिन्हें हम दिखा भी रहे हैं लगातार, ये चार फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। आसपास जो लोग मौजूद थे वो डर कर भागने लगे और कुछ लोग तो वहां पर मौजूद वॉशरूम और तमाम ऐसे केबिन्स में छुपने लगे, लेकिन आग भी लगी क्योंकि ब्लास्ट किया गया और इस आग लगने की वजह से कई लोगों का दम भी घुटने लगा। हालांकि कहा जा रहा है कि अब तक के हुए हमले में सबसे घातक हमला यही है और मॉस्को में जो ये आतंकी हमला हुआ इसमें अब तक 80 लोगों की मौत हो गई है। और ये देख रहे हैं आप, ये क्रॉकस सिटी हॉल के पास जहां आईएसआईएस ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है, कहा यह भी जा रहा है मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यहां पर फायरिंग की गई है, इस हॉल में कई लोग मौजूद थे, यहां एक कॉन्सर्ट होना था जिसमें कि 6000 लोगों ने बुकिंग भी की थी कॉन्सर्ट की, हाउसफुल कॉन्सर्ट था ये और किसी ने नहीं सोचा था कि ये रात इतनी काली होगी कि जिंदगी को ही अलविदा कहना पड़ जाएगा। और इस तरह से जो फायरिंग की तस्वीर है वो सामने आई है। नीरज हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार हम जान रहे हैं कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। नीरज, सवाल ये कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए, व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से चुने गए हैं राष्ट्रपति, लेकिन उसके बाद कौन है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है इस तरह? देखिए, खुफिया एजेंसियों की नाकामी है। अगर रूस की खुफिया एजेंसियों की बात करें, अमेरिकी दूतावास ने महज 2 हफ्ते पहले चेतावनी दी थी, आगाह किया था अपने नागरिकों को कि वो वैसी जगहों पे ना जाए जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, चाहे मॉल्स हो, रेलवे स्टेशन हो, बड़े वैसे सार्वजनिक स्थल जहाँ लोगों की तादाद अधिक होती है। जिस हॉल की बात हो रही, जिस म्यूजिक कॉन्सर्ट की बात हो रही, पिकनिक म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला था, शुरुआत ही होने वाली थी तभी ये पांचों आतंकवादी पहुंचते हैं और कत्लेआम को अंजाम देते हैं। इसके अलावा न सिर्फ कत्लेआम को बल्कि अपने साथ जो विस्फोटक लाए थे वो अंदर उसके जरिए धमाका करते हैं। बहुत सारे रूसी नागरिकों को आपने देखा होगा कि इस हॉल के बगल में एक ब्रिज है, उससे भागते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा हॉल के अंदर की तस्वीरें दिख रहे जहां 400 के आसपास लोगों की तादाद हो सकते, तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन यह भी आशंका जताई जा रही है कि पांचों आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए, हो सकता है वो भाग गए हो, लेकिन रूस की खुफिया एजेंसियां कैसे उन पर काबू पाते, कैसे उन्हें पकड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2004 के बाद रूस में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। 2004 में इसी तरह से एक बहुत बड़े इलाके को सीज कर लिया था आतंकियों ने, तब गैस छोड़कर जिसमें बच्चे भी शामिल थे, बच्चे मौजूद थे, उन्हें बंधक बनाया गया था। 2004 में 300 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी आतंकियों ने, लेकिन उसके बाद का यानी 20 साल में सबसे बड़ा आतंकी हमला है रूस में। अब देखना होगा कि पांचों आतंकियों को पकड़ने के लिए क्या कुछ वहां की खुफिया एजेंसी या पुतिन सरकार करती है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन को हर पल की जानकारी दी गई है, एक एक चीज की जानकारी दी गई है। और दूसरी एक पहलू बता दे, दूसरा पहलू बता दे, यूक्रेन का हाथ बताया जा रहा था कि हो सकता है यूक्रेन के लोग शामिल हो, लेकिन यूक्रेन ने भी इनकार किया है। और अभी तक रूस की जो एजेंसियां वो भी कह रही हैं कि यूक्रेन का इसमें हाथ अभी तक नहीं पाया गया। ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा 80 हो चुका है।